सांस भर के नहीं जाएंगे, इसमें श्वास बाहर छोड़ के जाएंगे। दाया वाला हाथ एड़ी पर, बाया वाला हाथ भी एड़ी पर, धीरे से ऊंट की। दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल, इंडियाज नंबर वन इमर्जिंग स्कूल, जहां है एकेडमिक्स, स्पोर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स का बेहतरीन कॉम्बिनेशन। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्री नर्सरी टू 9th। ये हमारा निरंतर योगाभ्यास की क्लासें चल रही है, जवानों को तंदुरुस्त और स्वस्थ बनाए रखने के लिए। अभी लॉकडाउन के दौरान, कोरोना के दौरान जो हमारी ड्यूटियाँ रही थी, व्यस्तता रही थी, उसके कारण जवानों को फिटनेस के लिए हम निरंतर पिछले 20 दिनों से योगाभ्यास और इसकी क्लासें, हमारे सत्र चल रहा है। आज स्वाभाविक है, आज योग दिवस भी है, तो वो आयोजन जो सतत निरंतर चल रहा है उसी के अनुरूप आज भी हमारा सत्र चला था। कितने जवान और अधिकारी उसमें शामिल हैं? इसमें करीबन 210 के करीबन जवान और अधिकारी शामिल हैं। सभी थानों के, यहाँ शहर में थानों में पदस्थापित लोग, अधिकारी और जवान शामिल। कितना जरूरी है योग जीवन में स्वस्थ रहने के लिए? और हमें इस तरह की दो ड्यूटियाँ आती है आजकल, उनमें उनको अपने आप को अच्छी तरह से बनाए रखने के लिए और दृष्टियों को डिस्चार्ज सही तरीके से करने के लिए स्वस्थ रहना जरूरी है। उसी के स्वस्थ रहने के अनुरूप में योगाभ्यास और शारीरिक अभ्यास करवाए जा रहे हैं। आप लोगों ने अभी पूछा कि योग जीवन में कितना ज़रूरी है, तो जितना ज़रूरी है, जितना जीवन को, शरीर को चलाने के लिए आहार ज़रूरी है, जितना पूरे जीवन को, इस नस नाड़ियों को, इस शरीर के इस पूरे तंत्र को टिकाए रखने के लिए हमारे को प्राण जरूरी है, अर्थात श्वास जरूरी है, इतना ही बहुत आवश्यक रूप से हमें आवश्यक है योग को रोज़ करना, जिससे कि हमें चार प्रकार के स्वास्थ्य मिलते हैं। पहला स्वास्थ्य हमें शारीरिक मिलता है, दूसरा मानसिक मिलता है, तीसरा बौद्धिक स्वास्थ्य मिलता है, तनाव से मुक्त भी रहते हैं, और चौथा आत्मिक स्वास्थ्य मिलता है, जो कि परमात्मा से, अपने आप से, आत्मा से जुड़ने का काम करके और पीस देता है, जिसको आनंद कहते हैं, जिसकी दौड़ में पूरी दुनिया दौड़ रही है। अर्थात आज हमने इस छठे योग, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर इस कार्यक्रम को निष्पन्न किया है पुलिस लाइन के इस परिसर में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, और हमने आज इस गौरवान्वित इस पर्व पर, जो कि अंतर्राष्ट्रीय पर्व अब हो चुका है, भारत की संस्कृति से निकला हुआ एकमात्र ऐसा पर्व है जो पूरी देश और दुनिया के सारे देश, 200 से भी अधिक देश अपने अपने घरों में आज मना रहे हैं, इसीलिए हम सबको गौरव होना चाहिए। इस पर्व के दिन हमारे भीतर उत्साह, ऊर्ज, तेज, हमारे घर में बैठ करके हम सब लोग योगाभ्यास करें, इस तरह से आज हमने इस योग के दिवस को मनाया। मैं योग आचार्य हेमंत अजमेर।